कपूर बिग बॉस 16 में आई। बिग बॉस में एकता कपूर निमृत कौर आलूवालिया को LSD 2 का ऑफर देती है। साथ ही एकता कपूर बोलती है कि वो नागिन 7 के लिए बिग बॉस 16 से ही किसी एक एक्ट्रेस को कास्ट करने वाली है, लेकिन क्योंकि अभी भी नागिन 6 ऑफर नहीं हुआ है तो एकता कपूर नागिन 7 के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो फैंस चाहते हैं कि सुम्बुल या फिर प्रियंका नागिन 7 में नजर आए। वैसे तो नागिन 7 के लिए एकता कपूर प्रियंका चहर चौधरी को कास्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रियंका चहर चौधरी को ऑलरेडी मूवी का ऑफर मिल गया तो प्रियंका चहर चौधरी नागिन 7 से बैकआउट कर गई और मूवी के ऑफर्स की वजह से प्रियंका नागिन 7 का हिस्सा नहीं बनने वाली है। और अब ये कंफर्म हो चुका है कि सुम्बुल तौकीर खान नागिन 7 की मेन लीड एक्ट्रेस होने वाली है। वही एकता कपूर अपने दूसरे सीरियल के लिए शालीन भानोत को भी कास्ट करने के बारे में सोच रही है। यानी कि निमृत को मूवी का ऑफर मिला, प्रियंका के पास भी मूवीज के ऑफर है और नागिन 7 में नजर आने वाली है सुम्बुल तौकीर खान। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।